मराठी फिल्मों के ख्यात अभिनेता और निर्माता दादा कोंडके का जन्म 8 अगस्त 1932 को हुआ था। उन्हें आम आदमी के हीरो के रूप में जाना जाता है। कोंडके की 9 फिल्में 25 सप्ताह तक सिनेमा घरों में चली थी। यह गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है। दादा कोंडके की 1975 में आई फिल्म पांडु हवलदार बेहद चर्चित रही थी। इसमें उन्होंने टाइटल कैरेक्टर निभाया था। इस फिल्म के बाद ही हवलदारों को पांडु कहा जाने लगा था। उनकी अन्य चर्चित फिल्मों में सोंगाड़िया, अली अंगावर आदि हैं। कोंडके अपने मराठी नाटक विच्छा मांझी पूरी करा के लिए भी ख्यात हैं। इसे कांग्रेस विरोधी नाटक माना जाता है। इसमें इंदिरा गांधी का मजाक उड़ाया गया था। दादा कोंडके ने इसके 1100 से अधिक स्टेज शोज किए थे। उन्होंने राजनीति में भी अपनी पूरी दखलंदाजी रखी। वे शिवसेना से जुड़े। कोंडके शिवसेना की रैलियों में भीड़ जुटाने का काम करते थे, साथ ही अपने प्रतिद्वंदियों पर जमकर हमला बोलते थे। दादा कोंडके का असली नाम कृष्णा कोंडके था। उनका बचपन छोटी मोटी गुंडागिर्दी के बीच बीता। दादा ने एक बार कहा था कि वे ईंट पत्थर बॉटल आदि को अपने झगड़ों में इस्तेमाल करते थे।